अपने खाने का ख्याल रख रही हूँ ना। और वीकनेस फील कर रही हूँ से नहीं और पेन तो नहीं हो रही कहीं आपको? दिखाइए। कहा सब से यहाँ है यहाँ कि मैं ये कुछ मेडिसिन लिख के दे रही हूँ, इनको आप कंटिन्यू करेंगे। चलिए ठीक है, मैं डॉक्टर को बता देती हूँ। डॉक्टर साहब कैसी हैं आप? हाँ, पहले से बेहतर हैं, काफी अच्छी प्रोग्रेस है इनकी। घर ले जा सकते हैं? जी, 2 दिन के बाद आप ले जा सकते हैं, अगर आप घर में एक नर्स अरेंज कर सकते हैं। जरूर, बहुत शुक्रिया। ऑल गुड? जी, कह रही हैं कि अच्छी प्रोग्रेस है, एक दो दिन में घर ले जा सकते हैं। दैट्स ऑसम न्यूज। बस कह रही हैं कि घर पे नर्स रख लें, तो आपको तो पता ही है हमारी हवेली में देखभाल का तो मसला ही नहीं है, अल्लाह का बहुत करम है। चलिए मैं निकलती हूँ। हाँ, अरे ऐसे कैसे, चाय तो पी के जाइए, मैं मंगवाती हूँ ना। नहीं, चाय का क्या तकल्लुफ कर रही है, हॉस्पिटल है। और मेरा तो मानना है कि हॉस्पिटल में ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, पेशेंट खामोखामन डिस्टर्ब होता है। सही बात है। चलिए बेटा, जी मैं फील बेटर? साथ कुछ कहना है मुझे यार। आई एम सॉरी यार, तुझ पे मैंने शक किया। मैं भी क्या करता, हमेशा मुझे अंधेरे में रखा गया। और जब आंखों के सामने से अंधेरा छटा सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा। गलत किया मैंने सबके साथ यार, सारी गलतियां सुधारना चाहता हूं। सारी गलतियां सुधार लेना, सिवाय एक, कौन सी? जायरा। जायरा? हाँ जायरा। कोई हक नहीं है तुम्हारा जायरा पर, चाहता हूं मैं उसे। और शादी करना चाहता हूं।
बीच में अब सिर्फ तुम खड़े हो। जितना जल्दी हो सके तुम उसे तलाक दे। इससे तुम अपने गुनाहों का कफारा समझ लेगे। और हाँ, मुबारक को नई जिंदगी। मैं किधर रह गए थे यार तुम? मैं इधर ही था, बस सिर्फ तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। यार मुझे इधर टेंशन हुई हुई थी, कंफ्यूजन हुई हुई, तुम किधर गायब हो यार? क्या क्या कंफ्यूजन है? भला आदमी है, पहली दफा मंगनी कर रहा हूँ, जाहिर ही बात है डर लगता है, कंफ्यूजन हुई हुई है थोड़ी। शायद तुम्हें कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उमेर तुम साथ की रिंग लेकर आयो? हाँ मुझे दो। क्यों दो? तो ये लो, पकड़ो ये रिंग और मुझे पहनाओ। चलो प्रैक्टिस करो। गुड आइडिया। एक सेकेंड। तुम हाथ तो ना हिलाओ ना। मैं हाथ नहीं हिला रही, इधर पहनानी है। पक्की बात है?